को मिलवाएंगे कॉमन से, वन ऑफ माय ऑनरी क्लाइंट जिन्होंने वेट लूज किया, हेल्थ इंप्रूव की, कैसे इंप्रूव की कॉमन से बात करते हैं। और कॉमन देखते हैं हमें ज्वाइन करती हैं, कॉल उठाती हैं, फिर आपको मिलवाएंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कोमल? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस फ्री थी। फ्री थी है? जी। घर में रहती हो? क्या करती हो कोमल, कहाँ से बात कर रही हो? गुजरात से। गुजरात से? गुजरात के लोग बड़े तगड़े होते हैं सुना है ना? तगड़े होते हैं। क्या तगड़े होते हैं। तो कोमल क्या चल रहा है? बड़ी तुम्हारी माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में। कब ज्वाइन किया था हमें? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। और क्यों ज्वाइन किया था ये बताओ? वेट लूज करने के लिए। वेट क्यों कम करना था? क्या मसला हुआ था जो कि सोचा कि नहीं वेट कम करना? सारे कह रहे थे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। कितना वेट था जब कितना वेट था जब हमें ज्वाइन किया था? 108। और अभी कितना है? 84। वाह जी वाह, 84, ऑलमोस्ट 24 kg माशाल्लाह, 50 पाउंड्स कम से कम कम किया है। कैसे कम कर लिया इतना? 8 मंथ में अभी। 8 मंथ में, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये तो वेट तो कम हो गया, बड़ी लकी हो तुम। मेरे सारे क्लाइंट भी कहेंगे आए ये कौन है बंदी जिसने इतना ज्यादा कम वेट कर लिया। कोमल कैसे कम किया ये बताओ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हेल्थी लाइफस्टाइल ज्वाइन किया, फॉलो किया उसको। ओके, गुड हैबिट्स। और उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया? और पहले क्या करती थी ये बताओ कि पहले तुम ये करती थी कि यार पहले क्यों, हेल्दी लाइफस्टाइल पहले नहीं था क्या? नहीं, इस तरह का नहीं था। ओके, कैसा था फिर? ना ब्रेकफास्ट ठीक था। ओके, ना सैलेड होता था, ना फ्रूट थे। ठीक है, हाँ। और हेल्थ हिस्ट्री, खाना हेल्थ हिस्ट्री क्या थी? तुमने बताया कि शाटिका पेन होती थी, क्या चीजें होती थी? बहुत ज्यादा मुझे पेन थी, बहुत ही ज्यादा, बैक में भी। हाँ, मेरे से झुक के कोई काम नहीं था होता है अभी। ठीक है, झुक के काम। और हाँ, तो डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने बोला था वेट बहुत ही ज्यादा है, जैसे कम होगा तो पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गए। और स्लीप बेहतर हुई, एनर्जी लेवल बेहतर हुआ, स्किन बेहतर हुई या हेयर फॉल हुआ, ये चीजें ठीक हुई या पहले से खराब हुई? नहीं, बस हेयर फॉल अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बाकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। हेयर फॉल हो रहा है, एनर्जेटिक हो गई हूँ। स्लीप भी बहुत अच्छी है, 8 आवर स्लीप। पहले तो मुझे नींद भी नहीं थी आती, पहले नींद नहीं आती। पहले क्यों नींद नहीं आती थी? किसकी याद आती थी या कोई रात को आके डराता था? नहीं, बस स्ट्रेस था, डिप्रेशन में रहना। ओके, इसके अलावा कुछ स्टमक इश्यूज बढ़ने या वो बिल्कुल ठीक था? स्टमक इश्यू थे और हार्मोनल नहीं थे। अच्छा, हार्मोनल नहीं थे तो इतना वेट नहीं है, स्टमक भी ठीक है। स्टमक भी ठीक है। तो ये बताओ कि इस प्रोग्राम में 6-8 मंथ में हमारे साथ क्या चीजें लगी कि यार पहले बोरिंग तो नहीं लगा, या पहले दिन से फॉलो कर रही हो, या बीच में चीट भी करती थी, बाहर से खाना भी खा लिया, कितने परसेंट लगता है कि मैंने सही फॉलो किया ये बताओ? 90%। वेरी गुड। बाहर से जब लोग कहते थे बाहर से खाना खाना है, जंक फूड खाना है, तो तब क्या होता था कि नहीं खाना? मैं जाती थी साथ, KFC भी जाती रही हूँ, सब कुछ, लेकिन जाके खाती हूँ, दिल ही नहीं था करता फिर। दिल ही नहीं करता था? बारबेक्यू वगैरह, फास्ट फूड भी नहीं था दिल करता बिल्कुल भी अब, लेकिन बारबेक्यू वगैरह फिर वो खा लेती थी। वो खा लेती थी। और वॉक कोई एक्सरसाइज कुछ थी, हो रही थी कि नहीं? नहीं, वॉक मेरी पहले 30 मिनट थी, फिर वो नाजिश ने 50 मिनट का बोला था वॉक का। अच्छा, एक्सरसाइज भी थी। तो ये डेली कर रही हो, कितनी देर करती हो? और हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में कितने दिन करती हो? मैं तो डेली तकरीबन करती हूँ। अच्छा, डेली करती हो, कभी ऐसा नहीं होता कभी कहीं आना जाना हो तो फिर छोड़ देती हूँ। तो नादिश कोच कैसा है, उसकी अच्छा डील करता है, अच्छा गाइड करता है एज़ ए कोच? हाँ, फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा, और नादिश भी बहुत अच्छी। नादिश क्या लगता है कि उनको ये चीज नहीं, डांटते तो नहीं ज्यादा? नहीं, है नहीं, डांटते तो नहीं।
तो फैमिली में हम लोग क्या कहते हैं कि कम कर, तो बहुत कम हो गया वेट, या कहते हैं कि नहीं सही करी, कभी टॉन्ट मिलते हैं काम नहीं था हो रहा तो कहते थे काम करो, काम हो रहा है तो कहते हैं छोड़ दो किसी किसी हाल में लोग खुश नहीं किसी होते। बात में भी खुश नहीं होते हैं। तो क्या कोमल, तुम्हें क्या लगता है क्या चीजें लोगों को करनी चाहिए, बाकियों को क्या मैसेज होगी जो कि बाकी क्लाइंट्स हैं, अब गुजरात में जो लोग रहते हैं इस एरिया में रहते हैं, जो कि कहते हैं कि यार हमसे डाइट नहीं होती, क्या तुमने डाइट की, पहले से कम खाया, अपनी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव नहीं मैंने की? पहले से ज्यादा खाया, मैं लंच में भी करती, ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय का कप हो गया कभी कभी, अभी मुझे 3 टाइम खाना खाना होता है अच्छा फिर भी अच्छा काम हो रहा है वेट, मैं तो हैरान हूँ पता नहीं। अच्छा पहले चाय पीती थी नाश्ते में और लंच नहीं करती थी, है ना? नहीं सिर्फ रात का खाना, मतलब बस खाना है। तो रात सोती कितने बजे हो पहले, कितने पहले सही रात नहीं सोती थी? हाँ पहले तकरीबन तो 1 बजे की अजान हो जाती थी तभी नींद से आती, तो ये तो आ, अभी अभी तो 1 बजे सो जाती हूँ तकरीबन, 12:30-1 बजे तक। कोमल ये सारी चीजें कितनी अरसे में अडॉप्ट की, लाइक 1 महीने में शुरू कर दी, 2 महीने में, 3 महीने में, और वेट क्या शुरू से कम होना शुरू हो गया था? मैं पहले महीने से गिरना शुरू हो गया था। हाँ मेरा वेट 1 मंथ से स्टार्ट हो गया था और जो नींद है वो भी आस्ता आस्ता ठीक हो गई थी मेरी। आहिस्ता आहिस्ता, और पहले मन से ही बाहर से खाना वगैरह बंद कर दिया था कि नहीं किया था? फास्ट फूड बंद कर दिया था, बिल्कुल बारबेक्यू वगैरह चाइनीज वगैरह वो अभी तो चलता है। बिल्कुल नहीं खाया था, या कभी कभी खा लिया हस्बैंड या बच्चे या फैमिली के साथ, या होता है कि यार बंदा जाता है बाहर, तो कैसे हैंडल करती थी कि यार नहीं खाना है, कैसे बंद करना, बातें नहीं सुनने को मिलती? नहीं हम मैं तो जाती उस जगह पे थी ना, मतलब फास्ट फूड अगर जाना होता था तो कम ही खा जाती थी, अच्छा। लेकिन फिर हाँ और ये बताओ तो कि बारबेक्यू वगैरह फिर चाइनीज वगैरह ये खा मैं से हो ले, जाता था। तो पहले वेट कम करने का कितनी देर में वेट गेन किया था, कितने अरसे में? मैं शुरू से ही खा सही। शुरू से? हाँ ओके, तो क्या लगता है कि यार नॉर्मल घर वाला खाना खाती हो, अपने लिए एक्स्ट्रा बनाती हो, कितना मुश्किल लगता है, कितना इजी लगता है, किस टाइप का खाना खाती हो, हेल्दी कैसे बना रहा? अपने लिए कुकिंग करती हो, क्या करती हो? नहीं मैं अपने लिए एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, चिकन वगैरह ऑयल फ्री बना लेती हूँ, मतलब ठीक है, और लेस ऑयल में यागर्ट वगैरह में बना लेती हूँ, स्टीम कर लेती हूँ चिकन, साथ सैलेड बना लेती हूँ, खुद करती हो मुश्किल डेली, बिल्कुल नहीं लगता। खुद करती हो डेली कुकिंग? अपने लिए कर लेती हूँ अलग से, बाकी नहीं। हाय, ये पहली मैंने कोमल सुनी है, वरना सारी जो हाउसवाइफ हैं लड़कियां क्या करती, बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए होता है लेकिन अपने लिए नहीं होता, लेकिन नहीं बहुत नहीं मैं भी अनमैरिड हूँ तो सिर्फ अपने लिए कर लेती हूँ, अच्छा। बाकी ये भी कुकिंग नहीं मैं करती। इसका मतलब है कि अपने लिए कुकिंग ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी जो के अपने लिए कुकिंग नहीं कर रही होती, कह रही होती हैं कि यार कुकिंग जो है वो बड़ी मुश्किल चीज है, बोरिंग चीज है, अपने लिए क्या खाना बनाओ, ऑर्डर कर दो। तो क्या करना चाहो, कहना चाहोगी इन लड़कियों के लिए जो के अनमैरिड हैं और कुकिंग नहीं करती? नहीं कुकिंग बोर तो नहीं होती, कुकिंग में मजा आता है, कुकिंग करने में अच्छा मजा आता तो है। मैं हाँ घर में भी कभी कभी बनाती हूँ, इतना नहीं अभी मुझे आती, लेकिन अपने लिए वो फिर यूट्यूब से देख देख के बना लेती हूँ। YouTube से देखिए कितना आसान काम है, और वो लोग जो है ना वो कहते हैं कुकिंग कैसे है, मैंने कहता हूँ गूगल YouTube पे सर्च कर लिया करो, आसानी से मिल जाएगा वो। अब उनको ये भी समझाना पड़ता है कि सर्च कैसे करना है, गूगल YouTube पे जाके लूज वेट 10 kg इन लाइक 3 वीक्स ये सर्च करना आता है, लेकिन कुकिंग स्किल्स नहीं, कुकिंग सीखनी नहीं आती, ऐसे ही है। नहीं मैं कोई रेसिपी सर्च करती हूँ जिसमें ऑयल फ्री हो, जो ठीक है, ऑयल बहुत कम हो, स्टीम वगैरह कबाब वगैरह कोई हो गए चिकन के मटन के, इस तरह यही सर्च करती हूँ। ओके। कोमल क्या कहना चाहोगी बाकी लोगों को जो के सुन रहे हैं, तुम माशाल्लाह गुजरात से हो, और बड़ी मुझे खुशी हुई कि तुम मेहनत कर रही हो, डेडिकेटली फॉलो कर रही हो, एंड हेल्थ भी बेहतर हो रही है और वेट भी कम हो रहा है, और बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैंने जो है वो ज्वाइन करना था तो मुझे सब ने बोला नहीं फेक है फेक है, बहुत लेट मैंने ज्वाइन किया, अच्छा तो हाँ, जिन्होंने करना है वो फटाफट कर लें ज्वाइन, बहुत अच्छा है वो और फटाफट वेट भी करते बहुत हैं। कम होता है, हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। ओके, थैंक यू सो मच कोमल, हाँ बहुत शुक्रिया आपका, और ताकि हम बाकियों को पिक्चर शेयर करना, मैं पिक्चर आपकी शेयर करूंगा पहले वाली और अब ओके वाली, ताकि लोगों को पता चले कि इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है
वो विदाउट कोई डाइट प्लान, विदाउट पिल्स, विदाउट मेडिसिन के पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। वो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करते हैं, दीज आर द स्टेप्स, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सो जैसे आपने देखा कोमल की स्टोरी, हमें जो इतने भी लोग ज्वाइन करते हैं वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए, आई नो सो मैनी पीपल दे डू वॉन्ट अस कि हमें जल्दी से बस वेट कम हो जाए, बट कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट बहुत जल्दी कम होता है, कुछ लोगों का बहुत स्लो कम होता है। तो हमारा फोकस ये होता है कि हम उनसे दोबारा डिस्कस करें। सो अब दोबारा मुलाकात होगी, टेक केयर। सो जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए, उसमें कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है कि दे शुड फोकस देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को, अपने न्यूट्रिशन को, अपनी फिटनेस को उतना ही ख्याल करना ज़रूरी है जितना आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। तो स्टार्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट, अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, जिससे ये होगा कि आपकी डाइट और हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। एनीवे नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मेक श्योर जो लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप मी, नंबर इज गिवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।